बताए लोह कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खूने दिल में डुबोली हैं उंगलियां मैंने, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, बुझा जो रोजन जिंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी, चमक उठे हैं सलासिल तो हमने जाना है कि अब सहर तेरे रुख पर बिखर गई होगी। नाज़रीन आदाब, रंगे सुखन में इस बार जैसा कि आप जान ही गए होंगे, हम फैज़ अहमद फैज़ के जिंदान के रंग के साथ हाजिर हुए हैं। दस्ते सबा और जिंदान नामा फैज़ के दो ऐसे मजमूए हैं जिन्होंने कैद की सऊबतों के दरमियान उनके दिलो दिमाग में एक कहकशां आबाद कर रखी थी। इस रंग पर बात करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब चंद्रवान ख्याल साहब, जो NCPL में साबिक चेयरमैन हैं और उसके अलावा उर्दू एकेडमी दिल्ली में कई बार मेंबर भी रहे हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर मुश्ताक सदफ साहब जो साहित्य एकेडमी में प्रोग्राम ऑफिसर हैं। सबसे पहला सवाल आपसे ही, जो हमने ये अशार फैज़ साहब के सुनाए और उसमें जिंदान का हमने जिक्र किया और आज हम फैज़ अहमद फैज़ और उनके जिंदान की बात कर रहे हैं, तो क्या हम फैज़ की ज़िंदगी को जिंदान के हवाले कर सकते हैं? मैं यहाँ इस बात का जिक्र भी करता चलूँ तहसीन साहब कि उर्दू शायरी का जिक्र हो और हुबुल वतनी का जिक्र ना हो, इनकलाब जिंदाबाद का जिक्र ना हो और जिंदा नामा का जिक्र ना हो, तो फिर उर्दू शायरी मुकम्मल नहीं कही जा सकती, अधूरी है। फैज़ के यहाँ भी मुख्तलिफ रंग हैं, लेकिन इनकलाब का, हुबुल वतनी का और जिंदा का जो रंग है वो सबसे ज़्यादा है। और फैज़ की पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद में गुजरी, इनकलाब में गुजरी। आप जैसा कि जानते हैं कि फैज़ 1951 में जेल में गए और 1955 तक वो जेल में मुख्तलिफ जेलों में रहे, वो सरगोधा जेल में रहे, वो लायलपुर जेल में रहे, मुंटगरी जेल में रहे, हैदराबाद जेल में भी रहे। सिर्फ फैज़ ही नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, हसरत मुहानी हैं और बहादुर शाह जफ़र हैं, और इसके अलावा बहुत से ऐसे तरक्की पसंद शोरा भी हैं जो जेलों में बैठ कर के शायरी की और वहाँ से अपने जोश व बला को पेश किया, यानी आवाम में एक बेदारी पैदा करने की कोशिश की। खैर साहब, उर्दू शायरी के हवाले से अगर बात कर रहे हैं तो खाली फैज़ साहब का जिक्र हो तो लगता है कि हम शायद ज़्यादती कर रहे हैं बाकी शोरा के साथ। हम जब फैज़ की बात करते हैं तो ज़ाहिर है हमारे सामने एक तहरीक आज़ादी का पूरा मंजरनामा हमारे सामने आ जाता है। 1857 से लेकर 1947 तक पूरे 90 साल तक हिंदुस्तानी अवाम ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी आज़ादी के लिए, और इस दौरान उर्दू ज़बान ने, उर्दू शायरी ने जो रोल अदा किया है हिंदुस्तान की तारीख में फरामोश नहीं किया जा सकता। तरक्की पसंद शायरों की एक पूरी कहकशां हमारे सामने है। चूँकि फैज़ एक अहम शायर है हमारे इस दौर के, तरक्की पसंद दौर के, और सबसे अहम शायर हैं और तरक्की पसंद शोरा में सबसे नुमाया उनका नाम, सबसे बड़ा नाम है, और बाकी दूसरे शायरों ने उनकी, मतलब उनका एक तरह से कहना चाहिए उनकी पैरवी की है, तो ज़ाहिर है उनका जिक्र अगर हम करते हैं तो ये बड़ी बात है। बहुत अच्छी बातें चंद्रभान ख्याल साहब कह रहे थे जिंदानामा के हवाले से और फैज़ के हवाले से और दूसरे शायरों के हवाले से। एक बात एक जहन में आ रही है मेरी, जब जुल्म व सितम बढ़ाए जाते हैं तब जिंदा सजाए जाते हैं। वाह, यानी जिंदा उस वक्त सजते हैं, उस वक्त उसमें रौनक आती है जब आप हक की आवाज़ बुलंद करते हैं। फैज़ ने यही किया काम और दूसरे शायरों ने भी किया। एक बात तो ये, इस बातचीत को जारी रखेंगे क्योंकि हम फैज़ साहब का कलाम है निसार, मैं तेरी गलियों के है वतन के जगह, जी जी, बहुत ही मशहूर, जी जी, तो वही आपके सामने पेश करना चाहते हैं। निसार मैं तेरी गलियों के है वतन के, जहाँ चली है रस्म के कोई नसर उठा के चले। निसार मैं तेरी गलियों के ऐ वतन के
के जहां निसार में तेरी गलियों के ऐ वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले जिस्म जान बचा के चले निसार में तेरी गलियों के ऐ वतन के बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जुओ के लिए जो चंद अहले जुनू तेरे नाम ले बने हैं अहले हवस मुतई भी मुन सिफ है किसे वकील करे किसे मुनसिफी चाहे किसे वकील करे किसे मुनसिफी चाहे मगर गुजारने वालों दिन गुजरते हैं मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं तेरे फिराक में यूं सुबह शाम करते हैं निसार में तेरी गलियों के ऐ वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के जिए निसार ये शेर अब इस तरह से नहीं लगता कि ये जिंदानामा का शेर है हमारी पूरी हकीकी ज़िंदगी का शेर बन करके सामने आता है मैं ये कहता हूँ कि जो शुअरा जेल में गए ये दो तख्लीककार जेल में गए तो जेलों में बैठ के उन्होंने शायरी की और वो हमारे दिल की आवाज़ साबित हुई लेकिन माहौल ऐसा बन गया कि जो शायर जेल में नहीं गए कभी नहीं गए लेकिन वो शायरी कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो जेल की शायरी कर रहे हैं हमारे दिल की शायरी कर रहे हैं अब जज्बी ने इसीलिए तो कहा कि अभी सुमूम ने मानी कहा नसीम से हार अभी तो मार का है चमन कुछ और भी है उर्दू शायरी में इनकलाब और जिंदा का जो जिक्र होता है तो जेल में जाए शायर या जेल में ना जाए या हमारे सामाजिक जिंदगी में हमारे साथ जी रहा है तो शायरी उस वक्त की शायर सिर्फ शायरी नहीं कर रहा है सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद के नारे नहीं लगाता है बल्कि वो अपने आसपास की चीज़ों को भी देखता है उसका शऊर बहुत बेदार रहता है वो सामाजिक बुराइयों से भी लड़ता है और दूसरी चीज़ें जो वो समाज के ख़िलाफ़ जो भी महसूस करता है उन सब के ख़िलाफ़ वो लड़ाई लड़ता है और वो सब 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 बातें उसकी शायरी में आती तभी तो जोश ने कहा है कि दूसरी दुनिया में हूँ दुनिया से मेरी जंग है तो ये जंग जो है वो उसकी चारों चौतरफा चलती है चारों तरफ चलती है सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं बल्कि आज़ादी के बाद भी और भी बहुत सी वो चीज़ें हैं जो आगे जो दुनिया है उसको भी बेहतर बनाने के लिए भी वो लड़ाई लड़ता है
और ये काम हमारे तरक्की पसंद शायरों ने, उससे पहले जो दूसरे शायर हैं जो बाशऊर, जिन्होंने कहना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी को संवारने के लिए शायरी की है, जो रास्ता दिखाया। शायरों का जिक्र कीजिए, बादशाहों का जिक्र कीजिए, बहादुर शाह जफ़र को आप ले लीजिए जी। तो बहादुर शाह जफ़र जो है उनको मुल्क से दूरी का जो एहसास हुआ और जिस तरह से वो कैदोबंद की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, तो उनका कितना मशहूर ये शेर हुआ, न किसी की आँख का नूर हूँ न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। ये बहादुर शाह जफ़र का है, मतलब हमारे हमारे दिलों को जो है अपने गिरफ्त में ले लेता है, ऐसा लगता है कि ये आज का शेर है। जैसे कि आपने आज़ादी की लड़ाई की बात की और राम प्रसाद बिस्मिल का कलाम है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये सबके जहन में है, लेकिन हम एक उनका जो दूसरा कलाम आप पेश करने जा रहे हैं वो ज़्यादातर लोगों के जहन में नहीं है। वो पैमाने
तैयार थे मर जाने को, जीते जी हमने छुड़ाया उसका शान को, ऐप हम जिस पे के तैयार थे मर जाने को। ये राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, बहुत ही अच्छा कलाम है जी। अच्छा, और देख जो हम पे